हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़ी कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय वैदिक मेथड। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी समीकरण का हल पढ़ेंगे। किस मेथड से? वैदिक मेथड से, यानी वैदिक गणित के जो मेथड्स होते हैं उनकी हेल्प से अपन यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले जो है, पहला जो मेथड है वो है अपना यहाँ परावर्तित योजयित। परावर्तित योजयित के बारे में डिस्कस करेंगे कि परावर्तित योजयित होता क्या है और इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको भी अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परावर्तित योजयित से। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन परावर्तित योजयित की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि परावर्तित योजयित का मतलब अपने पास होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे परावर्तित योजयित का मतलब होता है कोई भी जो इक्वेशन है उसका पक्षांतरण करके उसका समायोज करना, यानी पक्षांतरण करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। यानी इसका अगर मैं अर्थ लिखना चाहूँ तो लिखेंगे, हर विधि, जो भी विधि आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है उस विधि का अर्थ आपको ध्यान होना जरूरी है। ठीक है, पक्षांतरण करके समायोजन यानी जोड़ना, समायोजन करना। ठीक है, ये इस विधि का अर्थ होता है। ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला टाइप है, प्रथम जो इसका वैल्यू है, प्रथम अनुप्रयोग, इसके जो अपन चार अनुप्रयोग से पढ़ेंगे इसको, तो पहला अनुप्रयोग ये अपने 10th क्लास में भी आया हुआ है। तो प्रथम अनुप्रयोग की बात करें तो इक्वेशन अपने को किस प्रकार से गिवन होगी और अपन किस तरह से उस आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, प्रथम अनुप्रयोग में अपने को इक्वेशन दी हुई होगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये वैल्यू अगर अपने को इक्वेशन इस तरह से गिवन है तब अपन क्या करेंगे। देखिए, अपना जो एक्स का वैल्यू है वो आएगा d माइनस बी बटा ए माइनस सी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो इस तरह से एग्जांपल लेते हैं अपन इस तरीके का, एक जैसे अपने को गिवन है 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 9, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है। तो इससे देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो a का मान कितना है 4, b का मान है 3, c का मान है 2 और d का मान है 9। ये यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, d है ना पहले, तो d है 9, 9 माइनस बी यानी b कितना है 3, a कितना है 4 माइनस 2, यही आएगा। तो देखिए इसको सरल कर लेते हैं तो ये आएगा 6 बटा 2, यानी एक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 3 जो है वो डिफाइन हो जाएगा इजीली। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर जो पहला अनुप्रयोग है इसको अपन यहाँ पर सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना मेथड है उसकी बात करेंगे दूसरा अनुप्रयोग के बारे में कि दूसरे अनुप्रयोग में अपन कैसे करते हैं। तो ये पहला अनुप्रयोग आई होप आपको समझ आया होगा। आप देखो दूसरे अनुप्रयोग को भी अपन पहले फॉर्मूला सीखेंगे और फिर उसका एग्जाम्पल सीखेंगे। तो देखिए दूसरा अनुप्रयोग, तो दूसरे अनुप्रयोग में अपने को इक्वेशन जो है वो दी हुई होगी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये वैल्यू अगर अपने पास में गिवन है, समीकरण जो है वो अपनी इस फॉर्म में गिवन है, तब अपना जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। देखिए तो x बराबर होगा सी डी माइनस ए बी, सी डी माइनस ए बी, और बटे में देखिए क्या होगा, पहले होगा a प्लस बी और फिर माइनस होगा c प्लस डी। इस तरह से अपन वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे a और a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू होगी, c की वैल्यू ये और d की वैल्यू यहाँ पर, जो वैल्यू अलग अलग होगी उनको अपन इस तरह से इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपना आंसर जो है वो अपने पास फाइंड आउट होएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इस एग्जाम्पल से, अच्छे से और अच्छे से समझते हैं।
कि एग्जांपल्स में ये किस तरह से होगा। तो देखिए अपन लेते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। तो एग्जांपल जो है वो अपने पास गिवन है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस है फोर। अब अपने पास ए की वैल्यू देखिए क्या है, वन है, बी की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू माइनस थ्री है और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर है। तो इस इक्वेशन में रखना है अपने को। तो अपना एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सी डी माइनस ए बी बटा ए प्लस बी माइनस सी प्लस है डी, यही है ना। देखिए सी डी, तो सी की वैल्यू रख दो इंटू डी की वैल्यू, माइनस ए इंटू बी यानी वन इंटू टू बटा ए प्लस बी यानी वन प्लस टू माइनस सी माइनस सी प्लस डी यानी माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, ये वैल्यू बनी। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं अपन, ये बनेगा 12 है और ये बनेगा 2, 12 है माइनस 2 और ये बनेगा 3 माइनस, ये बनेगा माइनस 7 और प्लस का, तो यहाँ पे ये प्लस का 7 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये माइनस 7 आएगा, ये इस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे हो गई ये। तो अब देख यहाँ ऊपर बचा 10 और नीचे भी बचा 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1 जो है वो डिफाइन है हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे, 1 जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन लिखेंगे थर्ड मेथड, ठीक है। ये दो मेथड हो गए अपने, दो अनुप्रयोग, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं अपन अब। तो देखिए थर्ड जो है वो अपना दिया हुआ है अपने को, तृतीय अनुप्रयोग, तो इसमें देखो ए एक्स प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी बराबर पी बटा क्यू, ये वैल्यू अपने को इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, देखिए एक्स की वैल्यू होगी पी डी माइनस बी क्यू, ठीक है, पी डी माइनस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस सी पी। देखिए नॉर्मली जो है इनका तिरछा गुणा करा के अपन इनका क्या करते हैं, एक्स की जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं और पक्षांतरण करवा के अपन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इतनी नहीं करके सीधा सा अपने को ये फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, जिससे अपना जो क्वेश्चन है वो ईजीली हो जाए। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन इस तरीके के लिए। अगर अपने पास गिवन है 2x प्लस 3 बटा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 1 बटे 4, ये अपने को यहाँ पर सॉरी 1/3 है, ये अपने को वैल्यू गिवन है, तो इसका सॉल्यूशन अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो जो वैल्यूज है वो अपन रख देते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 4, पी की वैल्यू है 1 और क्यू की वैल्यू है 3। बस इस क्वेश्चन में अपने को पुट करना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी डी, पी है 1 और डी है 4, तो 1 इंटू 4 माइनस बी क्यू, बी कितना है 3 और Q भी कितना है 3 बटा ए क्यू माइनस सी पी, ए कितना है 2 और Q कितना है 3 माइनस सी कितना है 3 और P है 1, ठीक। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं, ये 4 माइनस 9 बटा ये हो गया 6 माइनस है 3,
तो यहाँ पर अपने पास बचा माइनस का पाँच ऊपर और नीचे कितना बता तीन, तो x बराबर है माइनस पाँच बटा तीन। ये क्या आ जाएगा अपना आंसर जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया। ये रहता है अपना थर्ड मेथड। ठीक है, किसके अंदर? परावर्ती योजयत के अंदर अपना थर्ड मेथड जो है वो ये रहता है। अब अपना फोर्थ और जो लास्ट है वो अपने पास यहाँ पर देखिए क्या है। फोर्थ अनुप्रयोग है अपना, चौथा अनुप्रयोग, ये लास्ट अनुप्रयोग है। सूत्र परावर्ती योजयत के अंदर चार अनुप्रयोग होते हैं, तीन अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट है वो अपना इस तरह से गिवन है। फोर्थ चतुर्थ अनुप्रयोग, इसमें गिवन है m बटा x प्लस ए प्लस m बटा x b। ठीक है, और इसके बराबर में अपने को n है ये, और इसके बराबर में अपने को गिवन है जीरो। ये वैल्यू अपने पास गिवन है और बराबर में क्या गिवन है, जीरो गिवन है। तो इस कंडीशन में अपने को x का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी माइनस एम बी माइनस एन ए बटा, यहाँ पे वैल्यू होगी जो दूसरी नीचे जो वैल्यू होगी वो होगी एम प्लस एन, एम प्लस एन ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन अच्छे से। एग्जांपल जो है वो अपना रहेगा टू बाई थ्री टू बाई एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री बाई एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज है, एम की वैल्यू है यहाँ पे टू, एन की वैल्यू है थ्री, ए की वैल्यू है फाइव और बी की वैल्यू है सिक्स। बस वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स बराबर क्या आएगा अपना, माइनस एम कितना है टू और बी कितना है सिक्स, माइनस एन कितना है थ्री और ए है फाइव, बटे एम प्लस एन यानी टू प्लस थ्री। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस का ट्वेल्व है और ये हो गए माइनस के फिफ्टीन और बटे आ गए टू, तो ये आ जाएगा माइनस का ट्वेंटी सेवन बाई सॉरी फाइव आएगा यहाँ पे, माइनस का ट्वेंटी सेवन बाई फाइव। ये किसका वैल्यू आ जाएगा अपने यहाँ पर, एक्स का जो वैल्यू है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन है जो चार अनुप्रयोग है उनके उससे अपन ने कोई भी जो इस तरह की इक्वेशन, इनका जो पैटर्न बताया गया आपको, इन पैटर्न्स में चार पैटर्न की इक्वेशन अपन ने यहाँ सॉल्व करने के तरीके को समझा है। तो देखिए, अगर इस तरीके से अगर आपको पैटर्न दिए हुए हो तो सूत्र परावर्जित की हेल्प से अपन ने इन चारों अनुप्रयोग का यूज़ करते हुए उन इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाई वैदिक मेथड में अंदर अपन ने सूत्र परावर्तित योजयत के बारे में डिस्कस किया है, उनके मेथड्स को डिस्क किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।